प्रोसेस फ्रेमवर्क में देखिए, प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, तरीका कह सकते हैं, गतिविधियां कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ रही हैं, एक्चुअली शब्द जो है वो मिले हुए हैं। तो अगर एक आप गतिविधि या किसी कोई भी काम ले लें, प्रोसेस तरीका क्या होगा आपका, इसका फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा, ये किसी भी अगर आप एक प्रोसेस सही तरीके से चूज कर लेते हैं या एक डिसाइड हो जाता है पहले, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो होता है उसका फाउंडेशन बनेगा। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि भाई उसका बेस बन जाएगा। जैसे आप पिज्जा के लिए एक बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर आप टॉपिंग कुछ भी डालिए, आप चाहे आप वेज डाल दीजिए, नॉन वेज डाल दीजिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है, यानी एक पूरा फ्रेमवर्क जो होगा, एक पूरा एक प्रोसेस फ्रेमवर्क होगा, यहां पर आपको छोटे छोटे कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज या कुछ गतिविधियां आपको देखनी पड़ेगी जो साथ में चलेगी। और वो क्या गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, फ्रेमवर्क की क्या क्या एक्टिविटी होती है। पहली चीज क्या आएगी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि कुछ भी करने से पहले आपको बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से कि भाई आपको जो काम करना है वो आपका ध्येय क्या है, एम क्या है, वो हमें पता करना है। यानी कि हमको पहले उसका मिशन ऑब्जेक्टिव तो समझना पड़ेगा कि भाई आप क्या बनाना चाहते हैं, उनकी जरूरत लेनी पड़ेगी, हमें ये रिक्वायरमेंट है। ये क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर में क्या फीचर डालने हैं, क्या फंक्शन डालने हैं, क्या आपको कौन से मेन्यू बटन लगाने हैं, कौन सी चीज आपको मेन्यू में डालनी है, कौन सी चीज आपको मेन्यू में नहीं डालनी है, कौन सी चीज आपके लिए क्रिटिकल है, ये तो आपको यूजर ही बताएगा ना। उसके बाद जो चीज आती है वो है प्लानिंग। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, आपको वीकेंड प्लान करना है तो वीकेंड में क्या क्या प्लान कर सकते हैं। एक लड़की का चित्र है इसमें, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है एक मैप यानी कि एक मानचित्र। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, आप जैसी मान लीजिए मंडे को डिसाइड किया इन्होंने, तो जब तक फ्राइडे आएगा इनके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये काम करने हैं। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, एक मानचित्र आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यहां से यहां तक जाना है, यानी एक मैप जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान भी कर रहे हैं, यानी कि हमारे काम करने से पहले हमने एक प्लान बना लिया। ये जो प्लान है इसमें हमारे को क्या क्या काम करने हैं, टास्क क्या अपना है, और मतलब टास्क मतलब कौन कौन से कार्य हमको अंजाम देने हैं, कर रहे हैं, इन सब कार्य में कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने कंप्यूटर चाहिए, कितने आदमी चाहिए, इन सबको करने के बाद हमें वर्क प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या हमें इस रिजल्ट में मिलने वाला है, और ये कितने दिनों में पूरा होने वाला है, 2 महीने, 6 महीने, 2 दिन, ये प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, ये फ्रेमवर्क की एक्टिविटी है। अब आप देखें कि कोई भी अगर आर्किटेक्ट है घर बनाने वाला, वो पहले मॉडल बनाता है, सीधा घर बनाना शुरू नहीं कर देता, तो उसको ये पता चल जाता है कि जब मैं घर बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ना। तो ये भी पता होगा कि मैं यहां पर जो है गाड़ियां खड़ी करूंगा, यहां पर मैं कुछ रीडिंग वाली जगह होगी, यहां सोने वाली जगह होगी, मैं यहां पर कुछ एसी यहां लगाऊंगा, ऐसे करके कुछ मॉडलिंग बनानी पड़ती है। तो इसी तरीके से क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल का मतलब यही है कि आपने जरूरत समझ ली और उसके बाद उस हिसाब से आपने उन जरूरतों के हिसाब से डिजाइन बनाया, इसको हम मॉडल कहते हैं। अब मॉडल का मतलब क्या है कि मॉडल आपने बना दिया तो भाई जो चीज आपने डिजाइन की है, डिजाइन मॉडल एक डिजाइन किया है आपने, तो उसको बनाना भी पड़ेगा। एक आर्किटेक्ट जब मॉडल बनाता है तो अल्टीमेटली वो घर बनाता है। इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन आप करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के में, तो आपको कोड जनरेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोड लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपको C++, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसको कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड लिखेंगे तो उसमें कुछ एरर्स भी आएंगी, उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि कोई जो भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं उनको निकालना और उनको ठीक करना, ये काम इसमें कंस्ट्रक्शन में होगा। अगली बात आती है डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है फाइनली आपको देना है, फाइनली मैं नहीं कहूंगा लेकिन आपको देना है। अब ये अलग अलग माइलस्टोन में हो सकता है, फेजेस में हो सकता है कि भाई हमने 1 साल का प्रोजेक्ट लिया, 3 महीने में ये देंगे, 6 महीने में ये देंगे, 9 महीने में ये देंगे, 12 महीने में ये देंगे। तो ये इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, एक साथ कंप्लीट भी हो सकता है, पूरी तरीके से दे सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर आप 3 महीने में देते हैं, यूजर आपको फीडबैक देगा, देखिए साहब ये इसमें नहीं है, ये होना चाहिए, तो आपको एक फीडबैक भी मिलता है। और अब डिप्लॉय करें यानी कि आप जो वर्क प्रोडक्ट है उसको दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस है वो हर एक केस में अलग अलग होगा, लेकिन जो मैंने आपको फ्रेमवर्क एक्टिविटी बता रहा हूं, जो आपको मैंने अभी फ्रेमवर्क एक्टिविटी बताई, वो सब सेम रहेगी, सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज नहीं होगी, सॉफ्टवेयर बड़ा छोटा कितना भी हो, लेकिन फ्रेमवर्क एक्टिविटी सेम रहेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें यह फ्रेमवर्क एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, ये बार बार, जैसे एक पूरी फ्रेमवर्क एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली, जैसे आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन पे आ गए, डिप्लॉयमेंट पे आ गए, उसके बाद हम दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा हो सकता है इटरेटिवली, यानी इसको बार बार करना, इसको दोबारा, इटरेटिव का मतलब ये होता है बार बार करना, तो बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। हर एक इटरेशन में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे कुछ एक्स था तो एक्स प्लस
वाई हो जाएगा, फिर एक्स जेड हो जाएगा, ये पूरा का आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये कंप्लीट होने लगता है।